बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंटेली लॉजिक्स। मेरा नाम मोहम्मद आबिद है और इस लेक्चर में हम फंक्शन के रिटर्न टाइप के ऊपर बात करेंगे। फंक्शन से हम वैल्यू किस तरह रिटर्न करेंगे। अभी तो हम जितने फंक्शंस हमने डिस्कस किए हैं तो उसमें कोई भी रिटर्न हम नहीं कर रहे थे, मतलब वहाँ पर हम वॉइड लिखते थे। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास जितने भी फंक्शंस हैं वो तमाम के तमाम जो हैं बेसिकली वॉइड फंक्शंस हैं। मीन्स वो मेन को कुछ नहीं भिजवा रहे बल्कि आपको यहाँ पर आउटपुट दे रहे हैं। अब रिटर्न हम कब करते हैं, जब लेट सपोज आप मेन से किसी फंक्शन को कॉल करते हैं और मेन को उस वैल्यू की ज़रूरत होती है, उस फंक्शन की जो प्रोसेसिंग होती है उससे जो आपको रिजल्ट मिलता है तो उस वैल्यू की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सिंटैक्स कुछ इस तरह होगा कि फंक्शन का नाम होगा और यहाँ पे हम रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। सो रिटर्न टाइप कोई भी टाइप हो सकती है, इंट, डबल स्ट्रिंग, बूलियन, इवन लिस्ट भी हो सकती है या डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स। और पैरामीटर्स उसी तरह होंगे और बाकी फंक्शन की जो बॉडी हो उसी तरह होगी, लेकिन यहाँ पर आप रिटर्न टाइप मेंशन करेंगे। सो हम आते हैं इंटेलीजे की तरफ और यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसका रिटर्न टाइप होगा इंटीजर, फंक्शन का नाम होगा प्रोडक्ट और इसको हम दो नंबर्स जो हैं वो पास करेंगे, एन वन और एन टू। तो प्रोडक्ट जो है वो अभी हमें एरर दे रहा है कि द बॉडी माइट कंप्लीट नॉर्मली कॉजिंग नल टू बी रिटर्न बट द रिटर्न टाइप इज़ इंट। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने जो है एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न करनी है जो कि फ़िलहाल आप नहीं कर रहे। अगर आप इसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा लें तो ये जो एरर है ये हट जाएगा, क्योंकि अब आप यहाँ से मतलब नल रिटर्न कर सकते हैं, लेकिन हमने एक नॉन नलेबल वैल्यू रिटर्न करनी है। सो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिटर्न कर दो एन वन मल्टीप्लाई बाय एन टू। सो एन वन और एन टू मल्टीप्लाई होंगे, जो भी रिजल्ट आएगा आप रिटर्न करोगे। अब जब यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन को कॉल करते हैं प्रोडक्ट और यहाँ से लेट सपोज आप 5 और 6 पास करते हैं, तो अब यहाँ पे होगा ये कि फंक्शन कॉल हो जाएगा, 5 और 6 एस पैरामीटर्स एन वन और एन टू को मिलेंगे और आपके पास रिटर्न हो जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन स्क्रीन पे जो है कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आपके पास जो है आउटपुट में नहीं आएगा। उसकी रीज़न ये है कि आप यहाँ से फंक्शन कॉल कर रहे हो, लेकिन जब ये कैलकुलेट हो गया रिज़ल्ट आएगा 30, तो ये फंक्शन कॉल उस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन चूंकि आप ना तो इसको प्रिंट करा रहे हैं ना किसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ आउटपुट जो है वो ब्लैंक नज़र आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इंट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू। तो अब आप इस फंक्शन कॉल का जो रिटर्न टाइप है, रिटर्न जो रिज़ल्ट है उसको इस रिज़ल्ट में स्टोर कर रहे हैं और फिर आप सिंपली यहाँ पे रिज़ल्ट जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है आपके पास प्रिंट होना चाहिए 30। सो ये 30 बेसिकली उस फंक्शन का रिटर्न, उसकी रिटर्न वैल्यू है। या आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इस प्रिंट के अंदर आप इस फंक्शन को कॉल कर लें प्रोडक्ट लेट सपोज 8 और 9, सो 8 9 are 72। तो अब क्या होगा कि बेसिकली प्रिंट भी आपके पास एक फंक्शन कॉल है और प्रोडक्ट जो है ये भी एक फंक्शन कॉल है, लेकिन जो पहले इनर फंक्शन कॉल है पहले ये एग्जीक्यूट होगी, इससे जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो प्रिंट को मिलेगा और प्रिंट जो है उसको डिस्प्ले कर देगा। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो पहले फंक्शन कॉल से आपको 30 मिल रहा है और दूसरे फंक्शन कॉल से आपको 72 मिल रहा है, लेकिन ये आपने डायरेक्ट प्रिंट के अंदर जो है वो लिखा है। अब इस मेथड का फ़ायदा ये है कि आप इस रिज़ल्ट को फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सिंपली इसको प्रिंट करा रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।